तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रियल बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए कि आपका जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है एक्सपीरियंस लेटर का, वो रियलिटी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कंपनी आपके सबमिट करती है प्रीवियस एम्प्लॉयर के पास, यानी कि प्रीवियस कंपनी के पास की आपके जो मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं और उस पर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जब आप किसी कंपनी से स्विच मारते हो, डेफिनेटली सी बात है कि आपके पास एक्सपीरियंस होगा, देन आप किसी दूसरी कंपनी में जाओगे, क्योंकि पहली कंपनी होगी तो जाहिर सी बात आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा नहीं। तो आपका 1 साल 6 महीने या 3 महीने या वॉट एवर टाइम आपने दिया हो, 5 साल 10 साल, तो जब आप कोई कंपनी स्विच करते हो आपके वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं, इंक्लूडिंग एक्सपीरियंस लेटर, आपका ऑफर लेटर हो गया, सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट्स उनको रिक्वायर्ड होते हैं। तो अभी आपकी जो नेक्स्ट कंपनी है जिसमें आप जा रहे हो, वो कंपनी आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करती है आपके प्रीवियस एम्प्लॉयर से, यानी कि आपकी प्रीवियस कंपनी से। तो उस केस में होता क्या है कि जब वो एक्सपीरियंस लेटर आपका वेरीफाई करते हैं ना, जब उनको एक्सपीरियंस लेटर भेजते हैं, तो जो आपने एक्सपीरियंस लेटर सबमिट किया होता है वो सेम एक्सपीरियंस लेटर उनको मेल पे अटैच करके भेजते हैं। आपने जो एम्प्लॉय आईडी उसमें डाली होती है वो एम्प्लॉय आईडी डालते हैं, आपने जो डेजिग्नेशन मेंशन करी थी वो डेजिग्नेशन उसमें डालते हैं, और कब से कब तक आपने काम किया है वो डालते हैं, आपकी लास्ट डेजिग्नेशन उसमें होगी, यानी कि आपने आपका भी इनकेस बीच में अगर प्रमोशन हुआ तो वो डेजिग्नेशन नहीं होगी, जो लास्ट डेजिग्नेशन है वो डेजिग्नेशन उसमें पड़ी होगी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके एक मेल डालते हैं आपके प्रीवियस एम्प्लॉयर को, और वो प्रीवियस एम्प्लॉयर सारा का सारा वेरिफिकेशन करता है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स, आप मान लो रिलीविंग भी हो सकता है, एक्सपीरियंस भी हो सकता है, तो सबसे पहले वो देखता है कि ये मेरा फॉर्मेट है कि नहीं है, उस पर एक स्टैम्प होता है, साइन होता है, जिसके भी होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे ये सोचते हो कि नहीं यार चलो फेक एक्सपीरियंस सबमिट कर देते हैं या कोई फेक डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि जब वो एक्सपीरियंस लेटर आपकी नेक्स्ट कंपनी पी एम्प्लॉयर को भेजती है, तो उस केस में वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई करते हैं कि हाँ ये मेरे यहाँ का डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं है, और ऑलरेडी उनको पता होता कि हाँ इस एम्प्लॉय का मैंने क्लियरेंस दिया था या जो भी था। एंड जो मेन पॉइंट उसमें आता है वो आता है एम्प्लॉय आईडी का। तो एम्प्लॉय आईडी एक ऐसी चीज़ होती है किसी भी कंपनी में या एचआर के डेटाबेस के लिए, कि उस एम्प्लॉय आईडी से आपका सारा का सारा रिकॉर्ड निकल जाएगा, और वहाँ पे लिटरली वहाँ पे फिल करके रखते हैं कि आपने कब छोड़ा था, आपका डेट ऑफ एग्जिट क्या है, आपने कितने टाइम तक काम किया, और आपका लेटेस्ट लास्ट डेजिग्नेशन आपकी वहाँ पे क्या थी। तो एम्प्लॉय आईडी से भी सारा कुछ वहाँ पे वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो ये मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपकी प्रीवियस कंपनी को सेंड किए जाते हैं, आपकी नेक्स्ट एम्प्लॉयर सेंड करता है फॉर द बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। तो होपफुली आप समझ गए होंगे कि किन डॉक्यूमेंट्स की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट होती है। ऑफर लेटर यहाँ पे कई बार स्किप कर देते हैं, कई बार ओ भी वेरिफिकेशन कराते हैं, बट इतना पॉइंट नहीं आता वहाँ पे, क्योंकि वो ऑफर लेटर की सारी चीज़ें, आपने कब ज्वाइन किया था, क्या डेजिग्नेशन थी, वो सारी उसी मेल में मेंशन कर देते हैं, तो कई बार स्किप भी कर देते हैं और कई बार वो भेज सकते हैं। तो यहाँ पे आप समझ लो 50-50 चांस होते हैं, बट एक्सपीरियंस लेटर जरूर अटैच करके उसमें भेजते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम शुभम, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।